नमस्कार। आज बहुत ही जबरदस्त केस हिस्ट्री आप देखेंगे और सुनेंगे और पूरी वीडियो को जरूर देखेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, एक भयंकर पेट रोग से पीड़ित व्यक्ति जिनका नाम अजय कुमार गर्ग है और यह हमारे पास पिनगुआ डिस्ट्रिक्ट नू हरियाणा से आए हुए हैं। अभी है 53 साल के हैं और इनको जो पेट रोगों से जो पीड़ा है, जो पेट रोग से ग्रसित जो बीमारी है, वो 41 साल से है। जब ये 12 साल के थे और भयंकर पीड़ित है, 41 साल से इनको कब्ज है और आज तक भारत के अंदर कोई व्यक्ति इनकी कब्ज को तोड़ नहीं पाया। आज तक भारत के अंदर कोई भी पैथी, कोई भी डॉक्टर इनके एसिड को ख़त्म नहीं कर पाया, कोई भी व्यक्ति इनका पेट ठीक नहीं कर पाया। इनको भयंकर पीड़ाएँ हैं, भयानक पीड़ाएँ हैं। आप देखेंगे कि इनको बहुत ही ज़्यादा, जिसको जो मतलब चिंगारी छूटने वाली, बस आप आग लगी हुई है और उसमें कोई भी चीज़ चिंगारी डाल दो तो उछल जाती है, वो हालत है इनकी। इनको भयंकर नली, जो आप ये देखते हैं कि पत्थर पड़ा हुआ है पेट, ऐसे आप टच करोगे तो टक टक पत्थर पेट में, हमारा हाथ पत्थर में लगेगा जाके। और नाभि की प्रॉब्लम, इनडाइजेशन, UDF इनकी लैटिन में आता है। UDF मतलब अनडाइजेस्टेड फूड, बॉम्ब्स, कीड़े आते हैं लैटिन में। एसिडिटी की प्रॉब्लम है, भयंकर कब्ज की प्रॉब्लम है और इसके अलावा इनको पेट फूलता है, दर्द रहता है पेट में, पेट में दर्द रहता है, छाती के नीचे दबाने से मतलब यहाँ इनको कौड़ी जहाँ होती है वहाँ दर्द रहता है हमेशा, खतरनाक गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है। और यह अपने 41 साल कहाँ लगा चुके हैं इनको पता ही नहीं है। वह गोल्डन पीरियड, जिस गोल्डन पीरियड में इंसान अपने पापा की या अपने पिताजी की छत्रछाया में होता है और वह बहुत खुश रहता है, खेल कूदता है, खाता पीता है और उसको सुख दुख पता ही नहीं रहता, पैसे का पता नहीं रहता और उसको किसी दूसरी स्थिति का पता नहीं रहता। उस समय उसके आनंदमय पल जो उसको व्यतीत करने चाहिए, वह इन्होंने बिल्कुल व्यतीत नहीं किए। आप जानेंगे भारत एक पेट रोगों का बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है, बहुत बड़ा विशाल अड्डा बन चुका है, क्योंकि आज 99.9% व्यक्ति पेट रोगों से पीड़ित है। क्यों? क्योंकि उनकी दिनचर्या, क्योंकि उठने बैठने का तरीका, खाने का तरीका, पीने का तरीका, और सबसे बड़ी बात, भारत के अंदर हाइपर एक्टिविटी लोगों की कोई कमी नहीं। दुनिया के अंदर अगर सबसे ज़्यादा हाइपर व्यक्ति कहीं है तो वो भारत के अंदर है। असह जिसको बोलते हैं ना, सहनशीलता जिनके अंदर नहीं है, जो बहुत ही ज़्यादा हाइपर है, वो व्यक्ति कि नहीं, मैं दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान हूँ, मैं दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर इंसान हूँ, मैं 1 क्विंटल वजन उठा के उसको कहीं भी ला सकता हूँ और वह उसके बाद में परमानेंट पेट रोगों से या कमर से पीड़ित चला जाएगा। ऐसे ही व्यक्ति हमारे साथ अभी अजय कुमार गर्ग जी हैं, जो नू पिनगुआ से आए हुए हैं और 41 साल से पीड़ित हैं। ये आपको पीड़ा अपनी बताएंगे कि कैसी हुई, कहाँ तक ये भागे और दुनिया में किधर या गए। ये वीडियो जरूर आप देखें, दुनिया तक पहुंचाएं। यह समस्या आपको भी हो सकती है, क्या पता आप इनकी वीडियो देख के अपनी दिनचर्या सुधार लें, अपना जीवन शैली सुधार लें और आप ठीक रहें और दुनिया को आप ठीक कर सकें, अवेयर कर सकें। श्रीमान अजय जी, हाँ, आप एक बार बोलिएगा आपकी समस्या कैसे चालू हुई, कहाँ कहाँ भागे, इस समय आप कितने पीड़ित हैं, 41 साल आपकी कहाँ चली गई। इस टाइम जो पीड़ा की बात है, ये समझ लो कि इस टाइम मैं अपने आप को कहूँ, मेरा दिमाग और पेट जैसे किसी ने निकाल के एक साइड फेंक दिया हो, इस टाइम तो ये मैटर है। और रही बीमारी की बात, बीमारी तो मेरे को 41 साल से है और मेरे एरिया के 300 किलोमीटर दूर तक ना कोई डॉक्टर बचा, ना कोई हकीम बचा, ना कोई सालोतर जो पेट या जो कोई नाप सही करता हो, नली सही करता हो, वो कोई नहीं बचे। यानी कि उन्होंने सही भी किया लेकिन उनका कोई रिस्पांस मेरे को नहीं मिला। उसके अलावा कितने मर गए, कितने जवान बुढ़े हो गए और कितने बच्चे जवान हो गए, लेकिन मेरा रोग एज इट इज ऐसे कैसा रहा। तो कहां कहां घूमे, एलोपैथिक डॉक्टरों का कहां कहां घूमे आप? डॉक्टर मैं कह रहा हूं 300-400 किलोमीटर गिर रहा, मैंने कोई डॉक्टर, कोई हकीम, कोई वैद्य छोड़ा ही नहीं। जहां भी जिसने कहा कि ये चेकअप होगा, अल्ट्रासाउंड होगा या सीटी स्कैन होगा या पेट की आंतों का कैमरा लगेगा आंतों में तुम्हारी में, वो सब लग गए। जयपुर भी हॉस्पिटल घूम आया, तो कुल मिला के कि 0/0। मैं डॉक्टरों से कमला नगर आया था ना मिले ना किसका, तो डॉक्टर थे वो,
उन्होंने मैंने जाके कहा कि जी मेरा ये कम से कम 1983 की बात है, तो मैंने उनसे कहा कि मेरा पेट बहुत सख्त रहता है, आप इसको चेक करो देखो। अरे हाँ भाई सख्त बहुत रहता है। उन्होंने उस टाइम तो मैं लिटा लिया, दो दिन के लिए एडमिट करा, दो दिन के बाद में 2000 का बिल बढ़ा के। और फिर आप, मैं कह रहा हूँ जी डॉक्टर साहब आपने जो मेरा पेट सख्त है इसका क्या सोचा है? उन्होंने क्या जवाब दिया कि अगर तेरा पेट सख्त रहता तेरे को क्या परेशानी से? मैं किसी परेशानी तो मेरी सख्त पेट से है, परेशानी और है किससे? मैं आपके पास किस लिए आया? आप किस बात के ले रहे हो 2000 रुपए? जिस टाइम पैसे ले लिए जब, तो तुम कह रहे हो कि हाँ भाई सख्त है, अब पैसे लेने के बाद में कह रहे हो आपको परेशानी क्या है? तो कुल मिला के वहां भी वो मेरे से पैसे लूटे गए, खत्म कहानी। उसके बाद में फिर मैं होली फैमिली में बताया कि भाई होली फैमिली में बहुत अच्छे डॉक्टर बैठते हैं। होली फैमिली हॉस्पिटल में कम से कम मैंने 8 महीने 9 महीने चक्कर काटे, साल भर चक्कर काटा, वहां भी मेरे को 0/0 रिजल्ट मिला। उसके बाद में पता पड़ी कि जी होली फैमिली से ज्यादा बढ़िया हॉस्पिटल एस्कॉर्ट पड़ता है, वहां भी एस्कॉर्ट में मैंने कम से कम 6 महीने 8 महीने घुलाए, वो भी 0/0। उसके बाद कही कि भाई एक बढ़िया डॉक्टर है, वो फौजी डॉक्टर है, क्या है कि बहरहाल वो अलवर है, तो अलवर चले जाओ, वो बहुत बढ़िया पेट का डॉक्टर है। तो मैं अलवर चला गया, वहां भी उसने 2-4 दफे उसके पास गया, 0/0। उससे पहले एक कहा कि भाई भगोर में एक बाबा जी बैठते हैं, वो ऊपर का नीचे का सब वो दो रोग दूर करते हैं, जब वैसे भी दुख दूर नहीं हुए तो मैंने सोचा कि चलो इस तरह से कोई हो सके, कोई ऊपरी बीमारी हो तो वहां जाके मैं दूर करवा लूं। तो अलवर भगोर वहां भी कई महीने, जैसे वो हर 6 महीने में या 2 महीने में 4 महीने में वो गद्दी लगाते हैं, तो वहां भी मैं गया, वहां भी चक्कर काटे कई बार, लेकिन वहां भी रिजल्ट 0/0। तो उसके बाद में किसी एक हमारे उजीने संगेल है, वहां के वैद्य बैठते थे हमारे पिनकुआ, तो वहां उनके पास गया लास्ट में कि ये वैद्य जी बहुत इंटेलिजेंट है, बड़े बूढ़े हैं, उनको तजर्बा भी है और देसी दवाई देते हैं। तो उन्होंने 1.5 महीने तक दवाई दी मेरे को देसी। देसी दवाई देने के बाद में तो उन्होंने देखा कि 1-1.5 महीने से मैं दवाई दे रहा हूँ, इनको 0/0 रिजल्ट है, फॉल्ट क्या है? उन्होंने मेरे को लिटाया, लिटाने के बाद में देखा तो नाप डिगी पड़ी है, एक साइड का पेट टाइट हुआ पड़ा है। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे कर, तू पहले इसको नाप को सही करवा, तेरी नाप टेढ़ी पड़ी। तो जी मैं पहलवान है, जैसे कि पल्लेदार होते जो बोरिया ढोते, क्यों अक्सर उनके नाप नले हो जाते। तो पूछा कि भाई वहां वो आदमी, उनका नाम लटूर था, वो बुजुर्ग आदमी थे, तो उनके पास में गया तो 3-4 दिन तक उनके पास, 4-6 दिन तक गया, तो उन्होंने दावा दूबी करी, सूता शादी करी पेट की, तो वहां भी रिजल्ट मेरा 0/0। तो कुल मिला के ये है कि वो टाइम बीतता रहा, फिर किसी ने कोई वैद्य बता दिया, फिर उस वैद्य पे चला गया, 6-7 महीने दवाई खाई, फिर वहां भी रिजल्ट 0/0। फिर किसी ने कहा कि नहीं भाई तेरा पेट सख्त है, पेट में तेरी तकलीफ है, आप जुम्मा पहलवान था एक हमारे वहां पिनकवा भाई, आप उसको दिखाओ। तो जुम्मे पहलवान को मैं गया, तो उन्होंने कहा अरे तेरा तो पेट बहुत सख्त है, तू तो कूदता फांदता था, तेरे पेटों की आंत में गुठलियां पड़ गई है, पेट में तेरी सुकड़न भी पड़ी है, और ये तो भाई तेरा तो इलाज करना पड़ेगा, इसमें 3-4 दिन लगेंगे। मैं कि जी 3-4 दिन लगे, अच्छा 6 दिन लगे, आप इसको करो सही। तो उन्होंने कहा कि कूलर के भत्ते लाओ और कहीं से उनको उबाल के पीस के पेट के बांधो 3-4 दिन बांधने के बाद फिर हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे। तो मैं कूलर के भत्ते लाया, हमसे हमारे गांव से 1-2 किलोमीटर दूर गांव है, तो वहां से कूलर का पेट मिला, तो उसमें से चढ़ा तोड़े लाया, लाने के बाद उबाले पेट के बांधे, फिर उसने 3-4 दिन मेरे पेट को सूता दावा जो भी कहा उसने उन्होंने। तो उसको करने के बाद में मेरे को कुछ फर्क पड़ा था, जिंदगी का वो पहला चांस था जब मेरे को एहसास हुआ कि मैं पानी भी पी रहा हूं तो मेरे को घी की तरह लगा। लेकिन क्या है कि मैं चंचल बहुत था बचपन, मेरा काम कूदने फांदने का बहुत, फिर मैं सही, ये भी मेरे को एहसास नहीं हुआ कि मैं सही भी हो गया, और ये भी मेरे को एहसास नहीं हुआ कि मैं तो बीमार भी पड़ा था, क्या तू सही हो गया तो उसको मैं केयर भी कर लू।
तो जो उन्होंने मेरे को सही किया था उसकी केयर नहीं कर पाया, लेकिन फिर मैं उसी तरह से खेल कूद में मस्त, कहीं जंप देने, कहीं ऊपर डेढ़ मंजिल से कूद जाना, या एक उसमें तैश में आके उसका नफा नुकसान क्या होगा मुझको कुछ नॉलेज नहीं थी, और वो जो ठेस, वो जो धचक मेरे पेट में बैठी फिर दुआ, तो वो तो ऐसी इग्नोर कर गई कि उसने सदा मदा के लिए मेरे को एक कहना, जैसे किसी से शादी कर देते भाई ये तो परमानेंट साथ, फेरों में साथ, जन्म तक ये सारा साथ रहेगा, वो मेरे साथ में उस बीमारी के फेरे पड़ गए। उस फेरों को लेके लगा लो कि किसी हकीम की कोई दवाई काम नहीं करती, किसी डॉक्टर की कोई दवाई काम नहीं करती, मैं 6-7 महीने 4 महीने 3 महीने चुप बैठ जाता हूं अपनी जिंदगी में, पैसे इकट्ठे करता हूं, पैसे जुट जाते हैं, उस पैसे के फिर सोचता हूं कि मैं कहां जाऊं, कहां अपने शरीर को दिखाऊं। लास्ट में मैं जब फिर मैं गंगाराम हॉस्पिटल में गया, बीच में गंगाराम हॉस्पिटल में देखने की 1000 रुपए की फीस, तो वहां भी मैंने कम से कम 7-8 बार उन्होंने भी 2-4 चेकअप दिखा दिए, करवा दिए, लास्ट में क्या निकला कुछ नहीं, फिर बता दिया कि भीजे चने खाओ, भीजी किशमिश खाओ, वो खाओ वो खाओ, तो कुल मिला के भाभी मेरे को जो रिजल्ट था 0/0। इससे पहले बीच में मेरे को बताया कि किसी ने भाई कहीं किसी से आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, तो आपको फायदा कहां से होगा, आप पट्टी कल्याण गांधी आश्रम वहां जाओ पानीपत के पास। तो पहले तो मैं वहां पूछने गया था, पूछने के बाद में वो मेरे गांव से कम पड़ता है 200-250 किलोमीटर, वहां मैं थोड़ी सी वहां पूछ के आया, वही पूरा दिन आने में एक दिन पूरा, सुबह का जाओ शाम को जाओ, फिर वहां से शाम को निकलो रात, पता नहीं किस टाइम तक घर पहुंचाऊंगा मैं, कुछ याद नहीं मेरे को। तो वहां उन्होंने बताया कि आपको ये चीज लानी है, ये करना है। वहां में 1 महीने रहा, 1 महीने रहने के बाद कुछ मेरा दिल उबसा गया था कि 1 महीने में मेरे को 0/0 रिजल्ट मिला था। तो फिर मैं आ गया, उसके बाद मैं फिर हकीम डॉक्टर चक्कर काटने लगा, फिर भी मेरे को जैसे 2 साल गुजरे, उसके बाद भी मेरे को कुछ कहीं कोई फायदा नहीं मिला। दुनिया में घूम लिया, दुनिया में जी दुनिया में घूम रहा था मैं, कहां मैं घर में थोड़ी घूम रहा था। तो उसके बाद मैं फिर सोचा कि हो सके भाई तेरी नसीब में जम नहीं हो, फिर दोबारा फिर पट्टी कल्याण गया, 1 महीने फिर पीरियड वाज के लगाया मैंने, कभी गर्म पानी में बिठाना, कभी ठंडे पानी में नहाना, कभी कुछ, कभी स्टीम, कभी खाना बंद कर देना, कभी पीना बंद कर देना, कुल मिला के मैंने कष्ट ही कष्ट सहे। वो 1 महीने का पीरियड फिर निकल गया। 1 महीने के बाद में जब सोचा कि तेरे को 1% भी फायदा नहीं है कि तू यहां पे क्यों पड़ा है, मन ने गवाही दी, फिर मैं वहां से अपना बोरी बिस्तर बांध के भाई किसको मन लगने वाला था, फिर आ गया घर पे, फिर डॉक्टरों के हकीमों के वैद्यों के जहां भी जो भी किसी ने कहा कि भाई तुम्हारे पितृ दोष तो नहीं है, पितृ दोष निकले, पितृ दोष सही करवा लिए, वो भी सारे करवा लिए, उनका स्थान बनवा दिया, स्थान बनवाने के बाद में सारे काम हो गए, लेकिन फिर भी ट्रीटमेंट पेट की बीमारी ज्यों की त्यों खड़ी रही। उसके बाद सोचा कि यार शादी भी हो गई, मैं भी चलो शादी भी हो गई, किसी ने कहा कि भाई शादी के बाद में सही हो जाएगा, तो शादी के बाद में भी 1-2 साल पीरियड निकल गए, एक दो लड़की हो गई थी, 1-2 बच्चे हो गए थे मेरे, तो वो पता नहीं कैसे हो गए कैसे नहीं हो गए कुछ पता नहीं मेरे को, बाकी वो जरूर मेरे थे, तो क्योंकि मैं बिल्कुल यूजलेस था, मैं किसी काम का नहीं था तो मात्र 100 में से 25%, तो बीमारी ने इस हद तक पहुंचा दिया था कि, लेकिन मैंने आस नहीं छोड़ी थी, हिम्मत नहीं छोड़ी थी, शरीर संग छोड़ रहा था लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ रही थी मैं। उसके बाद क्या की, जब मैंने की सोचा कि मैं क्या अब के फिर पट्टी कल्याण फिर और एक बार जाके दे, फिर तीसरी बार फिर पट्टी कल्याण गया, फिर वहां मैंने 1 महीने का पीरियड फिर बिताया। 1 महीने के बाद में जब देखा कि यहां बेटा तेरा फिर 0/0 रिजल्ट है, तेरे को कोई फायदा नहीं हुआ, वहां मेरे पीछे से बच्चे रोते थे कि पापा पापा याद करके तुमको याद कर रहे हो, लेकिन नहीं रह गया मेरे पास। फिर वापिस मैं घर आ गया, घर आने के बाद मैं फिर उसके बाद मैं गंगाराम कमला नगर, एक उजीने के कमला नगर में, शक्ति नगर में वैद्य जी बैठते हैं,
तो मैं उससे पहले मैं एक मेरी मौसी जी रहती है सादरा, मैं वहां गया था। एक दो लड़की हो गई थी, एक दो बच्चे हो गए थे मेरे, तो वो पता नहीं कैसे हो गए कैसे नहीं हो गए कुछ पता नहीं मेरे को, बाकी हो जाओगे मेरे थे। तो क्योंकि मैं बिल्कुल यूजलेस था, मैं किसी काम का नहीं था तो मात्र 100 में से 25%। तो बीमारी ने इस हद तक पहुंचा दिया था कि, लेकिन मैंने आस नहीं छोड़ी थी, हिम्मत नहीं छोड़ी थी, शरीर सन छोड़ रहा था लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ रही थी मैं। उसके बाद क्या कि जब मैंने की सोचा कि मैं क्या अब के फिर पट्टी कल्याण फिर और एक बार जाके दे, फिर तीसरी बार फिर पट्टी कल्याण गया, फिर वहां मैंने एक महीने का पीरियड फिर बिताया। एक महीने के बाद में जब देखा कि यहां बेटा तेरा फिर 0/0 रिजल्ट है, तेरे को कोई फायदा नहीं हुआ। वहां मेरे पीछे से बच्चे रोते थे कि पापा पापा याद करके तुमको याद कर रहे हो, लेकिन नहीं रहा गया मेरे पास। फिर वापिस मैं घर आ गया, घर आने के बाद मैं फिर उसके बाद मैं गंगाराम कमला नगर, एक उजीन है के कमला नगर में शक्ति नगर में वैद्य जी बैठते हैं, तो मैं उससे पहले मैं एक मेरी मौसी जी रहती है सादरा, मैं वहां गया था। उन्होंने मेरे को चांदनी चौक में दिखाया ले जाके, सादरे से वो चांदनी चौक लेके आई, एक हकीम जी ने हाथ देखा इस तरह से, वो तुम्हारा तो पेट बहुत खराब है, इसमें तो टाइम लगेगा, वो लगेगा वो लगेगा, पता नहीं क्या कुछ कह दिया था उन्होंने, कर दिया था। फिर हम वापिस आके घर, फिर मेरी मौसी मेरे को गाजियाबाद लेके गई, एक हकीम बैठता है मोहम्मद मुसलमान हकीम है, तो उनकी कम से कम मैंने 2-3 महीने दवाई खाई और 2-3 महीने मैं वहीं पर पड़ा था अपनी मौसी के सादरा शांति बिल्डिंग के पास है। तो वहां कुछ फर्क नहीं पड़ा, वहां से मैं आ गया। उसके बाद में फिर टाइम मेरा बीता, दिमाग में तो धेड़ पिन चलती रहती, यार तू कहां पे फायदा होगा तेरा दिमाग, कहां तू फायदा मिलेगा तेरे इस दिमाग। फिर मैं, मेरी शादी जब हुई थी, शादी होने वाली थी, तो मैं जूते कपड़े लेने के लिए दिल्ली गया अपने गांव से, तो फिर मैं मौसी के यहां गया था, उसी मौसी के यहां जहां मैं पहले 2 महीने रह के गया। तो वहां एक लड़का रहता था, उस लड़के को मैं पहले देखता था, तो वो लड़का, मैंने कहा यार लड़का तो कुछ जाने पिछाना सा लग रहा है, तो मेरी मौसी की लड़की जो है वो मेरी सिस्टर लगती, वो सिस्टर बोली अरे वही तो है पप्पू जो आता था। मैंने कहा ये इतना मोटा थाचा कैसे हो गया, कह जी इसने इलाज करवाया है एक शक्ति नगर के वैद्य से, ये वहां इसका इलाज चला है। मैंने कहा यार जब इतना, और ये उसकी खुराक क्या थी कि पूरे दिन में आधी रोटी खाता था, तो मैंने कि जब ये बंदा आधी रोटी खाने वाला सही हो सकता है, मैं तो जब दिन में 6 खा रहा हूं 7 खा रहा हूं मैं तो फिर जब सही हो ही जाऊंगा। मैंने उसको देख के बड़ी उम्मीद लगाई कि अजय तेरा वक्त आ गया सही होने का। तो अभी मेरी शादी नहीं हुई थी, लेकिन उस बात को मैंने जहन में रख लिया कि ये बंदा मिल गया तेरे को सही करने वाला। तो मैं अपने घर आ गया, शादी हो गई, शादी होने के बाद में 10 दिन के बाद या 6 दिन के बाद 7 दिन के बाद मैं अपनी वाइफ को उसके घर छोड़ आया, उसको वहां से घर छोड़ा। वहां घर मेरा पिनंगवा है, पिनंगवा से पलवल, पलवल से उसको घर छोड़ा, उसको घर छोड़ के सीधा दिल्ली, दिल्ली, और उस टाइम में खाली पेट था। दिल्ली से एड्रेस मैंने लिखवाई लिया था कि शक्ति नगर फलाना फलाना वैद्य है, ठीक है जी। मैं भी लाइन में लग गया, वहां भी सैकड़ों मरीजों की लाइन लगी पड़ी थी, तो मेरा भी नंबर आ गया। उन्होंने पेट देखा, नबज देखी, उन्होंने मेरे को वही कड़वे कड़वे अध्य बांध दिए दवाई के, जिनको खाते खाते मैं आधा जवान हो चुका था जिन दवाइयों को। तो चलो फिर भी मेरी आस थी कि ये सही कर देंगे। उन्होंने एक टाइम की रोटी बंद करी, फिर 2 टाइम की रोटी बंद कर दी, फलों पर कर दिया, फिर दूध पे कर दिया, फल भी बंद कर दिए। वो दवाई थी पेट साफ करने की, महीने 1.5 महीने वो दवाई चलती रही।
तो वहां मेरे ससुराल वालों को फिक्र खड़ी होगी कि हमारी लड़की में क्या कमी थी जो मेरे लड़की को छोड़ दिया। आज डेढ़ महीने हो गए उन्होंने मेरी सुध भी नहीं ली, कोई कम इंफॉर्मेशन भी नहीं उनकी तरफ से। तो मैं अपना इलाज करवाने के लिए लग रहा था कि कुछ सही हो जाए भाई का इतर, तो आगे तो जिंदगी मेरी जब चलेगी। तो कोई बात नहीं, डेढ़ महीना दो महीना पीरियड उन्होंने दवाई दे दी कह जी अब तुम इस दवाई को लेते रहो। मैं अपनी वाइफ को ले आया, वो दवाई चलती रही। तो एज इट इज उनका तीन महीने चार महीने इलाज चला होगा, रिजल्ट 0/0। तो अभी इस समय आप इस समय भी उसी बीमारी से तड़प रहे हैं, आज के समय हमारे पास बैठे हैं। जो बीमारी मेरी आज से 40 साल पहले थी आज भी मैं उसी जगह खड़ा हूं। यूट्यूब चैनल अब मोबाइल चल गए, यूट्यूब चैनल देखता था तो सर जी ने उस पे बच्चों को खड़ा कर रखा था, बच्चे दिखा रहे थे चार चार पांच पांच बच्चों को कि इस तरह से पेट सख्त है और पेट सख्त होने की वजह से कब्ज रहेगी, एसिडिटी बनेगी और सीधा जो गैस बनेगी वो दिमाग को अटैक करेगी। दिमाग वो उस गैस ने अटैक तो मेरा चालू जिस टाइम मैं पांचवी क्लास में पढ़ता था, छठी क्लास में पढ़ता था, अटैक तो उस गैस ने उस टाइम से चालू कर दिया था मेरे ऊपर। क्योंकि जब मैं किसी चीज को याद करता था मेरे को याद नहीं होती थी, कभी कभी मैं अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट भी दिखाता था अपने आप में कि मैं कुछ पढ़ूं मैं होशियार हो जाऊं, लेकिन होशियार का अपने ऐसे तैसे कराए वो जो गैस चढ़ रही थी दिमाग में वो तो काम नहीं करने देती थी। तो यार दोस्त तो मैं उसी टाइम से कह रहा था, सबसे पहला फॉल्ट मेरा यही था कि मैं अपने पिताजी को बोला था कि पिताजी सबसे पहले मेरी याददाश्त कम हो रही है। जब मेरी याददाश्त कम होने का मैंने शुरू में बताया उस टाइम से ही ट्रीटमेंट मेरा चालू हो गया था कि तेरे बीमारी क्या है जो तेरे याददाश्त चालू हो गई। तो कभी किसी को दिखाना, कभी किसी को दिखाना, जब किसी को दिखाना तो उन्होंने कह दिया कि तेरे नाप है, किसी ने नले है। आप हमारे पास कैसे आए फिर वो देखिए क्या सोचा आपने? इनके पास मैं इस तरह से आया कि यूट्यूब पे जब मैंने देखा जब के इस तरह के, हालांकि इनका यूट्यूब मैंने एक साल पहले भी देखा था, तो एक साल पहले देखने पे क्या है कि उन्होंने यह कि मैं सोचता था कि कोई जैसे किसी के छोटी मोटी बीमारी हो जाती होंगी वो नाप नस वस नाप दे देंगे तो सही हो जाती होंगी। लेकिन अब की जो यूट्यूब इनकी मैंने देखी है जस्ट महीने 20 दिन पहले से, जब इनके भाई जिनके कब्ज रहेगी, जिनको गैस बनेगी, जिनको एसिडिटी बनेगी, वो किसी भी टाइम इस संसार में सुखी रह नहीं सकता। उसको ये नहीं पता कि खुशी क्या होती है, आनंद क्या होता, वो चीज मेरे साथ है। तो मेरे को लगा कि जो ये मैंने दो चारों से कहा, मैंने भाई मेरा इलाज तो मिल गया, मैं जहां है ये जो उम्मीद है मेरी यहां मैं सही हो सकता हूं। तो मैंने अपनी बेटी को बताया, मेरी बेटी फरीदाबाद वाइंस पढ़ रही है, पापा देख लो ऐसे तो ऐड से भी कर देते हैं, कभी चार पांच लड़के खड़े कर दिए हो और झूठी ऐड कर दी हो। मैंने कि बेटा अगर इन्होंने झूठी भी ऐड करी है अब तक तो जिनकी जिनको दिखाते दिखाते मेरी पूरी जिंदगी बीत गई उनकी तो ऐड गलत नहीं थी, गंगाराम की तो ऐड गलत नहीं थी, होली फैमिली की तो ऐड गलत नहीं थी, ये जो अखिल भारतीय अनुसंधान है जो मेडिकल है उसकी ऐड तो गलत नहीं, उसमें ही मैंने सैकड़ों दिन हजारों दिन निकाल दिए। तो महीना दो महीना इनकी दवाई लेके देखो, चाहिए झूठे सही लेकिन दवाई तो करके देखूं, बाकी आगे भविष्य में पता पड़ेगा। यूट्यूब पे जब देखा इनका क्या भाई पेट, और फिर वो बता रहे थे कि कोई बता रहा था कि मेरा 8 दिन में फर्क हो गया, कोई बता रहा 10 दिन में फर्क हो गया। तो भाई मैं तो ये सोच के आया कि भाई मेरा तो चलो महीने में फर्क हो जाए, महीने में ही मेरे को अगर 25% फायदा हो जाए मैं तो अपने आप को 100% सही समझ लूं, क्योंकि मेरी बीमारी 40 साल पहले भाई खड़ी थी और आज ही मैं उसी उस बीमारी के ऊपर खड़ा हूं। उससे क्या है कि मेरे इस बीमारी से मेरा हरनिया हो गया था, हरनिया को ऑपरेशन करवाना पड़ा गंगाराम हॉस्पिटल में, जाली एक साइड में गिर रही थी, उन्होंने कहा जी ऐसा ना कभी दूसरे साइड में भी आप हरनिया हो जाए, उन्होंने दूसरे साइड में जाली गिर दी। इसी बीमारी से क्या हुआ कि मेरे नीचे लिंग में एक जहां दो गांठें होती हैं वहां एक गांठ के बराबर में एक गांठ और उठ गई थी। उस वो क्या गांठ थी वो क्या कहते हैं डॉक्टर का भी पानी पड़ गया एक तरह से गांठ उस तरह से, उसका भी इलाज मैंने फिर जाके गंगाराम में करवाया। गंगाराम में शायद गंगाराम में नहीं वो तो शायद हमारे भाई के साले डॉक्टर हैं रोहिणी,
तो उनके पास आके उन्होंने 5-6 साल पहले मेरा वो 7 साल पहले वो मेरा ऑपरेशन करवाया, ऑपरेशन कर दिया, साफ कर दी वहां उस जगह से उस जगह को। अब वही बीमारी फिर मेरे सामने तन के खड़ी है, वही ऑपरेशन फिर तैयार खड़ा है। तो कुल मिला ये कि एक कब्ज की और एक ये पेट की बीमारी मेरी, एक ये एक ऐसी होगी जैसे कहना कि 7 फेरे कर दी जिस किसी औरत के साथ में, ये तो पूरे जीवन 12-13 साल रहेगी, वो मेरे पेट के अंदर वो 7 फेरे हुए पड़े। आप देखेंगे ये बहुत ही भयंकर, जिसे बोलते हैं कि दुनिया के सबसे भयंकर पेट रोगों से पीड़ित व्यक्ति हैं। 41 साल की कहां चली गई इनको पता ही नहीं लगा, उसके भी इन्होंने आनंद ही नहीं लिया जीवन का, कभी सुख भोगा ही नहीं, और इनकी लाइफ दुख में चली गई और इनकी लाइफ भारत के अंदर भागने में चली गई। सुख नाम क्या होता है ये लफ्ज में जानता नहीं, सुख किसे कहते हैं कुछ नहीं पता मेरे। ये आप समझिए, ये हम आपके लिए बना रहे हैं, ये वीडियो में आपके लिए बना रहे हैं, ये दुनिया को अवेयर मतलब अवेयर करने के लिए बना रहे हैं। आप अपनी जीवन शैली अच्छी रखिए, आप अपना जीवन काल अच्छा रखिए, आप अपने जीवन के जो नियम और कायदे हैं उनको अच्छा रखिए, अन्यथा आप भी इनकी तरह बन जाएंगे और आपके जीवन के भी 40 या 41 साल या 20 साल जो बहुत गोल्डन पीरियड है वो कहाँ चले जाएंगे आपको नहीं पता लगेगा। भारत आज उन रोगों को अड्डा बन चुका है, क्यों? क्योंकि भारत आज यूरोप की नीतियों को अपना रहा है, यूरोप जो यूरोप की चीज़ें हैं उनको अपना रहा है, क्योंकि भारत का मौसम यूरोप जैसा नहीं है। और अगर आप जहाँ जैसा मौसम नहीं है वैसी चीज़ें नहीं करेंगे, विदेशी चीजें करेंगे, तो आप निश्चित है कि बीमार हो जाएंगे और आप निश्चित है कि लाइफ टाइम बीमार रहेंगे, लाइफ टाइम भागते रहेंगे और लाइफ टाइम आप अपने आप से जूझते रहेंगे और लाइफ टाइम आप बर्बाद होते रहेंगे। आप अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाओ, आप अपनी भारतीय संस्कृति को ही आगे बढ़ाओ और आप जहाँ पले बढ़े हैं उसी संस्कृति के रीति रिवाजों से चलिए। अगर अन्यथा आप विदेशी हिसाब से चलेंगे तो जैसे विदेशों में व्यक्तियों के कोई लाल पड़ गया, कोई सफ़ेद पड़ गया, किसी के बाल नहीं है तो किसी के बाल काले पड़ गए, तो किसी के सफ़ेद पड़ गए, तो किसी की आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, तो कोई लंगड़ा है, तो कोई लूला है। दुनिया के अंदर विदेशों में सबसे ज़्यादा बीमारियां होती थी, आज विदेशों में क्यों? विदेशों में नहीं है क्योंकि वो भारतीय संस्कृति को अपना के चल रहे हैं और हम विदेशों की जो संस्कृति है उसको अपना रहे हैं। आज भारत के अंदर जो इंडियन टॉयलेट है वो ख़त्म हो चुका है, भारत के अंदर जो गाय को रोटी निकालने का जो हमारा जो सिस्टम है वो ख़त्म हो चुका है, भारत के अंदर सूरज को अर्घ देने का सिस्टम खत्म हो चुका है, भारत के अंदर पहली दुनिया में भारत एक अकेला देश था जहां मिट्टी के बर्तनों में खाना खाया जाता था, जो व्यक्ति मिट्टी के बर्तनों में खाना खाएगा उसको कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं रहेगी, जो व्यक्ति मिट्टी खाएगा उसको कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं रहेगी, जो व्यक्ति आयरन की जो बर्तनों में खाना खाता था बना के उसको कभी भी ब्लड की कमी नहीं रहेगी, आयरन की कमी नहीं रहेगी। और आज के समय में जो व्यक्ति एल्यूमिनियम ज़्यादा यूज़ करता है, प्लास्टिक ज़्यादा यूज़ करता है, वह कभी भी ठीक रह नहीं सकता और वह तिल तिल करके मरता है, क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति पेट रोग से पीड़ित हो जाता है। हम चाहते हैं आप स्वस्थ रहें, भारत स्वस्थ रहे और भारत को आगे ले जाएं, और भारत आगे तभी जाएगा जब आप स्वस्थ रहेंगे, और आप स्वस्थ तभी रह सकते हैं जब आप अच्छा और भारतीय संस्कृति को अपनाएंगे, अच्छा करेंगे। आप अपने आप को 1.5 घंटा 2 घंटा जरूर दीजिए, हम हजारों पॉइंट्स आपको सिखा चुके हैं, हम हजारों फॉर्मूले आपको सिखा चुके हैं, हम दुनिया की सारी एक से टॉप चीज़ें आपको सिखा चुके हैं कि आप पेट रोगों से पीड़ित कैसे नहीं रहें, आप पेट रोगों से कैसे बचें और आप कैसे स्वस्थ रहें। लेकिन आप भारत के ऐसे ऐसे व्यक्ति, भारत में लाखों व्यक्ति, करोड़ों व्यक्ति, असंख्य जिनका कोई अभी संख्या नहीं है, वो पेट रोगों से पीड़ित हैं और वह यह चाहते हैं कि वह 2 दिन में 4 दिन में ठीक हो जाए, वो संभव ही नहीं है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को 2 दिन फीवर आता है तो वो भी कम से कम 10 दिन लेके जाता है, उसके शरीर को तोड़ देता है और वो भी 10 दिन में पूर्ण रूप से ठीक होता है। आप अपना एक बिल्कुल समय बना लीजिए कि मुझे ये करना है, और फिर भी आप अगर पेट रोगों से पीड़ित हैं, और कितने भी बड़े व्यक्ति हैं, कितने भी छोटे व्यक्ति हैं, हम बैठे हुए हैं, आप हमारे पास आइए, हम गारंटी देते हैं कि हम आपकी जीवन शैली अच्छी कराएंगे, हम आपकी जीवन शैली अच्छी करेंगे, लेकिन आप हमारे पास आएंगे 3 दिन में ठीक होने के लिए तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, हम भी आपसे हाथ जोड़ देंगे कि सर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जीवन काल है, बीमारियां लंबी होती हैं और आपको छोटे आप समय में उसको ठीक करना चाहते हैं तो वो संभव नहीं है कि छोटे समय में ठीक हो जाए। यह वीडियो आप दुनिया में पहुँचाएं, पूरे भारत में पहुँचाएं कि आप भी इनकी तरह पेट रोगों से पीड़ित हो सकते हैं अगर आपने अपने आप को सही नहीं रखा तो, और पूरे दुनिया के अंदर ये वीडियो फैलाइए, मैं आपको बोल रहा हूँ, और कमेंट्स जरूर करिए, शेयर कीजिए और दुनिया को बताइए आप पेट रोगों से कैसे बचें।
इसी के साथ हम अपनी ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं और आपको फिर बोल रहे हैं कि आपको भगवान स्वस्थ रखे, मस्त रखे और व्यस्त रखे। जब आपके पास ये तीन शब्द आ जाएंगे, तीन चीज आ जाएंगी कि आप स्वस्थ हैं और आप खुश हैं, मस्त हैं और आप व्यस्त हैं, काम कर रहे हैं, आप दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति बन जाएंगे। नमस्कार।